रेडी ओके सो जैसे कि सब जानते हैं शिल्पा शेट्टी और राज खन्ना की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन केस जो है जी उसका वो फाइल किया गया है जी उनको रिप्लाई में अब आपकी तरफ से आपने क्या कार्रवाई की है? देखिए मेरी लीगल टीम ने एक करारा मुंहतोड़ रिप्लाई नोटिस भेजी है उनके सो कॉल्ड डेफेमेशन नोटिस के को मद्देनज़र रखते हुए रिपू सुदन ए के ए राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को शायद ये पता नहीं है कि दिल्ली कोर्ट में जब एम जे अकबर और प्रिया रमनी का केस चल रहा था तो तब दिल्ली कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी थी और वो वर्डिक्ट जो है एक प्रेसिडेंट बन चुका है, मैं वो आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी। माफ़ी चाहती हूँ पेजेस। इन शॉर्ट उस प्रेसिडेंट का मतलब ये है, निचोड़ ये है कि द राइट टू रेप्यूटेशन एंड द राइट टू प्राइवेसी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। दिस इज द एसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। द वुमन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द सेक्स अब्यूज ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट ऑफ डेफेमेशन एज the right of reputation cannot be protected at the cost of the right of life and dignity of women as guaranteed in Indian constitution under article 21 and right of equality before law and equal protection of law as guaranteed under article 14 of the constitution. The woman has a right to put her grievance at any platform of her choice and even after decades. yane mahila apne yaun shoshan ke bare mein kisi bhi platform par baat kar sakti hai और कई सदियों बाद भी बात कर सकती है। और द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ मैन ऑफ सोशल स्टेटस कैन ऑल्सो बी अ सेक्सुअल हैरेसर। ये जो वो कहते हैं कि रिस्पेक्टफुल सिटीजन हैं ब्रिटेन के और इंडिया के भी बहुत ही रिस्पेक्टफुल सिटीजन हैं और उनकी सोशल स्टैंडिंग है, रेप्यूटेशन है। क्या रेप्यूटेशन है ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, मुंबई क्राइम ब्रांच जानता है, ठीक है, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसर हो सकते हैं, ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। नाउ अब हम बात करते हैं डेफेमेशन की। डेफेमेशन क्या है, मतलब ये जो मानहानि हम कहते हैं, मानहानि डेफेमेशन, व्हाट इज डेफेमेशन? इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन द मेंस रिया टू कॉज हार्म इज द साइन क्वा नॉन to cause harm. Our client states that there must be an imputation and such imputation must have been made with the intention of harming or knowing or having reason to believe that it will harm the reputation of the person about whom it is made. Now, yahan par likha hai ki agar intention kya hai, agar intention ye hai ki hum reputation ko kharab karein to defamation नोटिस की, मतलब डेफेमेशन नोटिस भेजी जा सकती है। अगर इंटेंशन ये हो कि चलो रेपुटेशन को बर्बाद करते हैं, ख़राब करते हैं, जिस पुरुष रिपु सुदन ए के ए राज कुंद्रा एंड मिसेज शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, हाँ, जिनकी रेपुटेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, मतलब जिनके बारे में लोग जानते हैं, जिनके कारनामों के बारे में जानकारी है पब्लिक डोमेन में, अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ? हाँ, की कंस्पिरेटर इन पोर्नोग्राफी केस, ओके, जिनके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1467 पेज की चार्जशीट फाइल की थी। हाँ, ये बात करते हैं रेप्यूटेशन की। गौर फरमाइए, हाँ, आप सब, रेप्यूटेशन की बात कौन कर रहा है? गोल्ड स्कैम, चीटिंग, हुँ?
IPL scandal, money laundering, insider trading, FIR lodged in Lucknow, तो आप देख रहे हैं कि रेप्यूटेशन की बात कौन कर रहे हैं. प्लस बहुत सारे पेजेस हैं, मतलब 35 पेजेस हैं मेरे रिप्लाई नोटिस में. और इन्होंने जो कारनामे किए हैं अपने लाइफ में उन सब का जिक्र है, इन डिटेल नहीं लिखा है. इन डिटेल लिखने जाओ तो आई थिंक मुझे भी 1000 से ज़्यादा पेजेस लग सकते हैं, जैसे मुंबई क्राइम ब्रांच को लगे थे. सो नाउ कमिंग टू the last but first page of my notice, जिसमें मैंने लिखा है, मतलब मेरी legal team ने लिखा, withdraw the present legal notice with immediate effect to pay a sum of rupees 75 crores by way of compensation for mental harassment, agony, anguish, affliction, misery, trauma, acute stress and hypertension for which I'm taking a medical treatment in a leading hospital in Mumbai, to pay an amount of 1,50,000 towards the cost of the present reply notice, to refrain from indulging in acts of intentional harassment by taking fraudulent recourse to noble provisions of law to cover your client's own wrongs. Matlab, अपने पाप छुपाने के लिए आप जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो आप जल्द से जल्द बंद करें. टू टेंडर एन अनकंडीशनल अपॉलोजी टू आवर क्लाइंट फॉर योर क्लाइंट्स विलफुल एक्ट ऑफ हैरेसमेंट एंड एग्जास्परेशन एंड ये बताया था मैंने आपको एक्सटॉर्शन केस इनका. ऐसे कई सारे पेजेस हैं जो अभी तक आपके आपके कैमरा को दिखाया नहीं मैंने. तो जी जो आपने जो अभी तो डिफॉर्मेशन केस किया, इससे पहले किसने किया? शिल्पा शेट्टी ने आपको ऊपर डिफॉर्मेशन किया, उसके बाद आपने ये डिफॉर्मेशन किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई डिफॉर्मेशन नहीं किया. मैं आपको बताती हूँ क्रोनोलॉजी, आपको बताती हूँ मैं. 14 मार्च 2021 के दिन मैं गई थी जुहू पुलिस चौकी रिपु सुदन AKA राज कुंद्रा के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करने, यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने. मैं इंतज़ार कर रही थी कि पुलिस मुझे बुलाए स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए. उतने में 19 अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा यहाँ पर आते हैं, इस घर पर मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, अपने सेलफोन पर एक नाम बताते हैं, वो बिंद्रा. कहते हैं कि ये उनके बिजनेस पार्टनर हैं और डी कंपनी के फ्रंटमैन हैं और रजत बिंद्रा ऐसा कुछ नाम था. बोलते हैं कि ये एक कॉल करेगा ना तुम ख़त्म हो जाओगी, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो. हाँ, दुबई में जाओगी मार देगी. दुबई जाओगी नहीं, यहीं पर हो जाएगा, जो भी होना है यहीं पर हो जाएगा. एंड जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, जेएल स्ट्रीम के साथ जुड़ जाओ, शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी, ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, दे आर यू नो द फेसेस ऑफ जेएल स्ट्रीम, जॉइन जेएल स्ट्रीम, डू यू नो बोल्ड वीडियोज, फिटनेस वीडियोज एंड मेक सम मनी, बी हैप्पी. वाई ड्रैग 2019 इनटू 2021? 2019 की जो बात है हाँ, उसको यहाँ मतलब 2021 में क्यों लेकर आना चाह रही हो? ख़त्म करो, रात गई बात गई. नहीं करना है तो फिर बोलना मत कि बताया नहीं था. तो मैं सोच में पड़ गई. मैंने अपने मैनेजर, मेरे मैनेजर भी थे यहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि क्या करना है. वो बोलते हैं कि लड़ाई वो लड़ो जो तुम जीत सको. क्या तुम्हें लगता है तुम ये लड़ाई जीत सकती हो? इनके पास पैसा है, पावर है, कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम्हारे पास क्या है?